नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने ही कंप्यूटर या लैपटॉप के यूजर अकाउंट के पासवर्ड को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो देरी न करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं हम आज के वीडियो। दोस्तों, आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के यूजर अकाउंट के पासवर्ड को चेंज करने के तीन मेथड हैं। मैं आपको तीनों ही मेथड स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि जब आप अपने विंडोज पे लॉगिन किए हुए हैं, आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और डिलीट बटन एक साथ प्रेस करना है। तो हमारे पास ये स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पे हमें चेंज ए पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। तो आपके पास ये विंडो आ जाएगी, आपको अपना पुराना पासवर्ड यानी करंट पासवर्ड जो आपकी लैपटॉप या कंप्यूटर पे सेट है वो यहाँ पर एंटर करना है और एक नया पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो मैं कर देता हूँ। याद रखें दोस्तों, ये आपके पुराने पासवर्ड से चेंज होना चाहिए ये नया पासवर्ड, तभी आपकी विंडो इसको एक्सेप्ट करेगी। इस पे एरो पे क्लिक कर देना है और आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है। तो ये था पहला मेथड। अब आते हैं अपने दूसरे मेथड पे। दूसरे मेथड में आपको दोस्तों सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल और आप चले जाएंगे कंट्रोल पैनल में। यहाँ पर अगर आपके पास विंडो ये कैटेगरी वाइज आ रही है तो इसको चेंज करके स्मॉल आइकन में कन्वर्ट कर लें और यूजर अकाउंट्स में आपको आना है, मैनेज अनदर अकाउंट पे आना है और यहाँ पर जिस भी यूजर का पासवर्ड आपको चेंज करना है उस यूजर को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर चेंज द पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। करंट पासवर्ड आपको एंटर करना है और न्यू पासवर्ड आपको चेंज कर देना है, चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देना है और ये आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है। तो दोस्तों, ये था आपका दूसरा मेथड। अब मैं आपको तीसरा और आखिरी मेथड इसमें बताता हूँ। आपको चलना है स्टार्ट बटन पे, सेटिंग में जाना है, यहाँ पर अकाउंट्स में जाना है, साइन इन ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर पासवर्ड पर क्लिक कर देना है, चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देना है, करंट पासवर्ड जो आपका है वो आपको एंटर करना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। न्यू पासवर्ड यहाँ पर सेट कर सकते हैं, नेक्स्ट कर देना है और फिनिश कर देना है। ये आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो में मैंने आपको जो तीन तरीके बताए हैं आपको यूजर अकाउंट के पासवर्ड चेंज करने को, वो आपको समझ में आए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दें और मेरे चैनल पर ऐसा ही कंटेंट और देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।